हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है फ्रंट लोड कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे फ्रंट लोडिंग के सबसे बड़े ब्रांड बॉश फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। तो अगर आप भी एक नया फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहते हैं एंड थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या ऑफलाइन स्टोर्स पर जाके हो, तो बॉश का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सबसे बेस्ट होता है, ये चीज़ आप जान जाएंगे। एंड बॉश में भी कैपेसिटी वाइज कई सारे मॉडल्स आते हैं। अब आपके हिसाब से कौन सा मॉडल आपको परचेस करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न कई बार रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर कैपेसिटी में कौन सा मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो इन सब मॉडल्स के बारे में जानने से पहले कुछ एक कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जो भी मॉडल्स मैं आज आपको दिखाऊंगा, उन सब मॉडल्स में एक चीज़ कॉमन है, उनका बिल्ड क्वालिटी, उनका ड्यूरेबिलिटी और उसका परफॉर्मेंस। एंड ना कि इन्हीं मॉडल्स के अंदर, इनके अलावा बॉश जितने भी मॉडल मैन्युफैक्चर करता है, ये चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेगी। मतलब बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो एकदम सुपीरियर दिखेगा। कॉस्मेटिक डिज़ाइंस के ऊपर, मतलब लुक्स के ऊपर बॉश काम नहीं करता है, बॉश हमेशा काम करता है उसकी स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। इसीलिए बॉश का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपको एकदम सिंपल एंड सोबर लुक पे देखने को मिलता है। तो कोई भी मॉडल आप परचेस करें, उनके अंदर आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि उसका बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉमन चीज़ आपको मिलती है बिग ड्रम वॉल्यूम। बॉश का कोई भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मॉडल अगर आप चूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको जो ड्रम का वॉल्यूम है वो कॉम्पिटिशन ब्रांड के कंपेरेटिवली आपको बड़ा देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप बॉश का 6.5 केजी का भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेस करते हैं, तो कॉम्पिटिशन ब्रांड के 7 केजी के इक्विवेलेंट या उससे बड़ा ड्रम आपको बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। अब एक बड़े ड्रम का क्या फ़ायदा है? वॉशिंग मशीन के अंदर जितना बड़ा उसका ड्रम होगा, तो कपड़ों के मूवमेंट के लिए उतना ज़्यादा स्पेस उनको मिलेगा, इसीलिए वहाँ पर वॉशिंग का क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो सारे मॉडल्स के अंदर आपको ड्रम का वॉल्यूम कंपेरेटिवली बड़ा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा आपको इसका स्टेबिलिटी। कोई भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर आप परचेस करते हैं, वो 1000 से लेके 1400 आरपीएम के बीच में काम करता है। तो जब उतना हाई आरपीएम से वॉशिंग मशीन काम करता है, तो उसके ड्रम को लॉक करने के लिए लेफ्ट एंड राइट दो साइड्स पे शॉकर्स एंड ऊपर स्प्रिंग लगाया जाता है, जिसके बीच में वो ड्रम होल्ड होता है। लेकिन बॉश अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम को लॉक करने के लिए 3 शॉकर और 3 स्प्रिंग का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब आप इमेजिन करके देखो, एक मशीन है जिसके अंदर ड्रम रोटेट कर रहा है, उस ड्रम को 2 जगह से लॉक किया हुआ है एंड किसी ब्रांड ने उस ड्रम को 3 जगह से लॉक किया हुआ है, तो कंपैरेटिवली आपको 3 जगह से लॉकिंग सिस्टम के अंदर आपको उसका स्टेबिलिटी बेटर देखने को मिलेगा। तो बॉश का कोई भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का मॉडल आप चूज़ करें, उनके अंदर आपको 3 शॉकर्स और 3 सस्पेंशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो ये वीडियो आप मेरे पीछे चलता हुआ देख रहे हैं, ये मशीन मैंने स्पेशली आपको खोल के दिखाया था इसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि किस तरीके से उसमें शॉकर्स एंड स्प्रिंग लगे होते हैं। तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो वॉशिंग मशीन के प्लेलिस्ट में, या नीचे आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आपको मिलता है लो वाइब्रेशन। बॉश के हर एक मॉडल के अंदर आपको वाइब्रेशन कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉश अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर हैवी काउंटर वेट लगाता है। अगर आप इस मशीन को ओपन करके देखेंगे ना, तो ड्रम के ऊपर एक स्टोन, एक कंक्रीट का पत्थर लगा होता है बहुत हैवी, जो उसकी वाइब्रेशन को फर्दर कंप्रेस करता है। एंड साइड में जो आप डिज़ाइन देखेंगे, तो वो एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल डिज़ाइन आपको बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में दिखता है। तो कोई भी मॉडल आप बॉश का परचेस करते हैं, तो उसके अंदर आपको वाइब्रेशन एकदम कम देखने को मिलती है। देन फिफ्थ पॉइंट आपको मिलता है इसमें लो नॉइस का। बॉश का कोई भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का मॉडल आप चूज़ करते हैं, उनके अंदर आपको नॉइस लेवल कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है, क्योंकि बॉश अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ करता है वेरियो इन्वर्टर मोटर या इको साइलेंस ड्राइव मोटर। एंड ये मोटर बहुत हाई एफिशिएंसी वाला मोटर होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो इस मोटर की हेल्प से आपको वॉशिंग मशीन के अंदर जो साउंड है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, एंड इसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी कम होता है। और नॉइस लेवल बॉश अपनी हर एक मॉडल के अंदर रिटर्न में मेंशन करता है, वरना कंपटीशन ब्रांड में आज भी ये जो नॉइस लेवल का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में है। कुछ एक ब्रांड जो हैं वो रिटर्न पे आज भी लिख के नहीं देते हैं, बट बॉश अपने हर एक मॉडल के अंदर उसका साउंड डेसिबल रिटर्न में लिख के देता है कि आपका इस मशीन के अंदर आपको इतना साउंड डेसिबल मिलता है।
तो ये चीज़ भी आप कंपैरेटिवली चेक कर सकते हैं आप डिफरेंट ब्रांड के साथ। तो आप एक एक करके जानते हैं कि किस कैपेसिटी के अंदर कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, जो मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा, मैं उनके परफॉर्मेंस बेस पे बताऊंगा, उनके सेल आउट डेटा के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा मॉडल कितना ज़्यादा सेल आउट होता है और कौन से मॉडल का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें मैं एक कंक्लूजन निकाल के मैं आज आपके सामने लिस्ट लेके आ रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में और चेकआउट कर लेते हैं कि बॉश कंपनी का कैपेसिटी वाइज कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बॉश की 6.5 केजी कैपेसिटी के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल आपको मिलेगा WAJ2426IN। 1200 RPM स्पिन स्पीड के साथ ये मॉडल आता है। एंड इस वॉशिंग मशीन का अगर आप डेप्थ देखेंगे तो अदर ब्रांड के 6.5 केजी के मॉडल्स के हिसाब से इस मॉडल का आपको ड्रम का डेप्थ बड़ा देखने को मिलेगा। एंड ड्रम का वॉल्यूम भी आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर बड़ा मिलता है। तो इस मशीन को आप कॉम्पिटिशन ब्रांड के 7 केजी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन के फीचर्स की बात करें तो सभी फुली लोडेड फीचर्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन के अंदर 53 डेसिबल नॉइस लेवल आपको वॉशिंग के समय एंड 73 डेसिबल नॉइस लेवल आपको स्पिनिंग के समय देखने को मिलता है। एंड इस वॉशिंग मशीन का नेट वेट 71.5 केजी का है, जो अदर ब्रांड के कंपैरेटिवली काफ़ी हैवी है। बॉश की 7 केजी कैपेसिटी के अंदर इस समय उसका बेस्ट मॉडल आप परचेस कर सकते हैं WAJ2446MIN। तो बॉश कंपनी का ये न्यूली लॉन्च मॉडल है 7 केजी के अंदर डार्क लेक फिनिशिंग के साथ। 1200 RPM का स्पिन स्पीड आपको इस मॉडल के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एंड फुली लोडेड फीचर्स के साथ ये वॉशिंग मशीन आता है, तो बॉश के सारे यूनिक फीचर्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मॉडल का उसमें मिल जाएगा। 8 kg कैपेसिटी के अंदर बॉश का बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आता है WAJ2846SIN। एंड ये मॉडल बॉश कंपनी का सबसे बेस्ट सेलर मॉडल है, मतलब किसी भी मॉडल्स के और किसी भी कैपेसिटी के कंपैरेटिवली इस मॉडल का जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। एंड ये मॉडल भी फुली लोडेड फीचर्स के साथ आता है, तो सभी बॉश के फीचर्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। देन 8 kg कैपेसिटी के अंदर ही बॉश का सेकंड बेस्ट मॉडल आपको मिलेगा WAJ2846MIN। न्यूली लॉन्च ये डार्क लेक मॉडल है बॉश का 8 kg के अंदर। एंड ये मॉडल भी फुली लोडेड फीचर्स के साथ आता है, तो बॉश के सारे यूनिक फीचर्स आपको इस मॉडल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। एंड 8 kg के अंदर बॉश का सबसे प्रीमियम मॉडल आता है बॉश का आईडोज वॉशिंग मशीन विद वाईफाई कनेक्टिविटी। एंड इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है आपको इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप वाटर भी सेव करते हैं और 30% कॉस्ट सेव करते हैं आपके लिक्विड डिटर्जेंट का। एंड वाईफाई इनेबल्ड ये वॉशिंग मशीन है, तो बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस मशीन को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देन बॉश की 9 kg कैपेसिटी के अंदर उसका सबसे बेस्ट मॉडल आता है बॉश का एक्टिव ऑक्सीजन, जिसका मॉडल नंबर है WAU2829SIN, जिसके अंदर आपको मिलता है इसमें रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर ये वॉशिंग मशीन बिना पानी के, बिना डिटर्जेंट के, बिना टेम्परेचर के आपके कपड़ों को रिफ्रेश करती है, ऑडर को रिमूव करती है एंड बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करती है। इसके अलावा 4 स्पेशल टाइप के स्टेन्स भी आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर रिमूव कर सकते हैं। एंड बाकी जो बॉश के नॉर्मल फीचर्स हैं वो सभी आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। देन बॉश की 9 kg कैपेसिटी के अंदर आपको नेक्स्ट बेस्ट मॉडल मिलता है बॉश का आईडोज वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर मिलता है आपको इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम। ये एक इको फ्रेंडली वॉशिंग मशीन है एंड इस वॉशिंग मशीन की हेल्प से आप बहुत सारा वाटर एंड बहुत सारा लिक्विड का कॉस्ट आप सेव करते हैं। द 9 kg सेगमेंट के अंदर थर्ड बेस्ट मॉडल आपको मिलेगा बॉश का आईडोज वॉशिंग मशीन विद वाईफाई कनेक्टिविटी। इसका मॉडल नंबर है WAT286H9IN। सो 9 kg कैपेसिटी के अंदर ये सबसे प्रीमियम मॉडल है, जिसके अंदर आपको आईडोज के साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस मशीन को अपने स्मार्टफोन से पेयर करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एंड 10 kg कैपेसिटी के अंदर भी आपको बॉश का आईडोज वॉशिंग मशीन मिल जाता है। वाइट एंड सिल्वर दो कलर वेरिएंट के साथ आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। जनरली लार्ज कैपेसिटी वॉशिंग मशीन ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करती है, बट इस मशीन के अंदर अगेन आपको मिलता है इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम। तो इस मशीन की हेल्प से आप बहुत सारा वाटर सेव कर सकते हैं एंड लिक्विड डिटर्जेंट का कॉस्ट सेव कर सकते हैं। एंड ये सभी मॉडल्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक आपको इन सभी मशीनों का मिल जाएगा,
तो जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आज के इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।